हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी बच्चों की जिंदगियां सबसे ज्यादा गैर महफूज। हर 22 में से एक बच्चा 30 दिन भी जिंदा नहीं रह पाता। जिंदगी से लड़ते लड़ते मौत के गले लग जाता है। आलमी इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट ने सब के लिए खतरे की घंटी बजाई। नौजायदा बच्चों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार। सूरत हाल अफगानिस्तान और अफ्रीका से भी खराब। नौ मौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा। वफाकी समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को शर्मा दिया। सेहत के लिए बुलंदोबांग दावे करने वाले हुक्मरान के नाखून लेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। माँ नौ मौलूद को सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। तिब्बी माहिरीन ने अपील कर दी। जैसे ही पैदा होता है तो अपना दूध उसको शुरू करें। दूध माएं पिलाती हैं, उससे कुदरती कुव्वत से बहुत सारी बीमारी से किस्म की उसको कोदे मुदाफत मिल जाती है। गवर्नमेंट के अफसरान को अदालतों में तलब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, पॉलिसीज की नफी की जाती है, लोगों को निकाल। ये बातें कब तक चलेंगी? इसका नुकसान किसका होता है? नुकसान मुल्क का होता है। वजीर आजम ने कल सवाल उठाया, चीफ जस्टिस की जानिब से आज जवाब आया। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम लेकिन आइन सुपर सुप्रीम है। पार्लियामेंट आइन से मुतसादम कोई कानून नहीं बना सकती। जो कानून बनाएंगे उसके जायजे का अख्तियार है। आइन और कानून ने नेक नियति से इस्तेमाल करेंगे। हमारे रिमार्क सवालात होते हैं, हम सवाल पूछते हैं तो हेडलाइन बन जाती है। बहुत कमजोर फैसले जो मुंतखब नुमाइंदों और मुंतखब वज़ीरे आज़म को मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी, अवाम का पैसा लूटे जाने के इल्जामात के ऊपर एक पर घर भेजा जाए। जनाब स्पीकर, तो आपको पता है आजकल तो वो एक मिनट में बुला लेते हैं। आपको तो सर पता है, पहले ही मुझे बुलाया हुआ है। हाउस को चाहिए कि वो भी तुहीने पार्लियामेंट का भी कोई कानून बनाए। पार्लियामेंट के महाज से हुक्मरानों की अदलिया पर तनकीद। तोहीने पार्लियामान का होना चाहिए। तोहीन करने वालों को भी वैसा ही इंतजार करवाना चाहिए जैसा कहीं और होता है। तलाल चौधरी का खिताब। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने अदलिया आजाद कराई थी, अब अदल आजाद कराएंगे। मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया हमारी अदलिया सिर्फ इसलिए तबाह करने के लिए कि मुल्क के सबसे बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ की चोरी बचाने के लिए, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर निकलने के लिए। शादी के बाद कप्तान ब्रादरान पर बाउंसर्स। कहा नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदलिया शरीफों की शहनशाहियत की राह में आखिरी रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बहुत मौका दिया, अदलिया बचाने के लिए सड़कों पर भी आने का ऐलान। इमरान खान पर सरकारी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल का इल्जाम। नैब के बी के ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नवीद हैदर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील भी दे दी। एक बार भी जाती मकासद के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान कहा नैब शरीफ खानदान से भी पूछे कि उन्होंने कितनी बार सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। शरीफ खानदान ने जस्टिस कयूम के जरिए फैसले कराए, अब दोबारा अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बिलावल फैमिली पर तनकीद। कहा शरीफ खानदान के अदलिया को धमकियां हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शरीफ खानदान को अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत नुकसान उठाया, अब किसी और की जंग अपनी जमीन पर नहीं लड़ सकते। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की मॉस्को में रूसी हमनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी अमन में रूस का किरदार अहम है।
दाइश के खात्मे के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है। ममालिक का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का भी अज़्म। लाहौर की सेशन इस रोज बाद फिर गोलियां चल गईं। वकील की फायरिंग से दो वकला जान बहक। पुलिस ने मुल्ज़िम काशिफ राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला का वाकये का नोटिस, तहकीकात के लिए GIT तश्कील। 31 जनवरी को भी इसी अदालत में फायरिंग का वाकया पेश, लेकिन पुलिस ने कुछ न सीखा। जाली मुकाबलों में कई बेगुनाहों को ठिकाने लगाया। पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे का नाजायज फायदा उठाया। को मतलूब आबिद बॉक्सर दुबई से कराची मुंतकिल कर दिया गया। हसास इदारे तहकीकात में मसरूफ। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार ने 250 अफराद की जान ली। जाली मुकाबलों की तहकीकात कराए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने 30 मार्च तक सिंध सरकार से जवाब तलब कर दिया। जैनब के कत्ल और रेप का एतराफ किया। अदालत ने सजा सुनाई तो मुजरिम ने अपील कर दी। फैसला जल्दबाजी में किया गया, कानूनी तकाजे पूरे। इमरान की लाहौर हाई कोर्ट से फैसला कलदम करार देने की दरख्वास्त। काजादी नामजदगी के हलफनामे में छेड़छाड़ किसने की? सारे मामले का असल जिम्मेदार कौन है? राजा जफर हक कमेटी की सरबमहर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। MQM में कुर्सी की जंग के बाद अब आ गई है कानूनी जंग। MQM बहादुराबाद ने फारूक सत्तार ग्रुप के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा लिया। इलेक्शन कलदम करार देने की दरख्वास्त। परिखैन को 27 फरवरी के लिए नोटिसेस जारी कर दिए गए। लोहा बनाने वालों को जमीन बेचकर पैसे देने का फैसला। हुकूमत स्टील मिल्स मुलाजमीन के वाजिबात इदारे की जमीन फरोख्त करके क्लियर करेगी। साबिक मुलाजमीन के वाजिबात 10 अरब रुपए हैं, पर अब तक 1.5 अरब अदा कर दिए गए। कराची पुलिस ने साबिक साथियों का रिमांड ले लिया। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पहले डंडे बरसाए, फिर खूब धोया। रिजर्व एहलकारों का दिमाग ठिकाने आया तो वापस बैठ गए। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर का CMH सियालकोट का दौरा। ISPR के मुताबिक सफीर ने वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय दहशतगर्दी का शिकार जख्मियों से मुलाकात की। बरतानवी वजीर आजम ट्रीजा मे ने किया मस्जिद का दौरा। स्कार्फ लिया, बच्चों से गुलदस्ता वसूल किया। खातून वजीर आजम ने इस्लाम को पुरअमन मजहब करार दिया। Under-19 टीम में नाम न डाला, खिलाड़ी ने गले में फंदा डाल दिया। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर आमिर हनीफ के साहबजादे मोहम्मद जरियाफ ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बेटे ने जायदुल उम्र करार दिए जाने पर इंतहाई कदम उठाया। वालिद का इल्जाम। तश्वीशनाक खबर से जिसके मुताबिक पाकिस्तान नौ मौलूद के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। आलमी सर्वे रिपोर्ट यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले नौ मौलूद मौत की आगोश में चले जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर 22 में से एक बच्चा जिंदगी के 30 दिन भी नहीं गुजार पाता। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बच्चों की हलाकतों के मामले में शदीद चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान नौमौलूद के लिए गैर महफूज। आलमी सर्वे रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी।
यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान नौजायदा बच्चों के लिए सबसे बदतरीन मुल्क करार। अफगानिस्तान और अफ्रीकी ममालिक में नौजायदा बच्चों के जिंदा रहने के इम्कान इंतहाई कम हैं। पाकिस्तान नौमौलूद की हलाकतों में सबसे आगे है। 2016 की रिपोर्ट के आदाद शुमार कहते हैं हर 22 बच्चों में से एक मौत की आगोश में चला जाता है। ये बच्चा पैदाइश के पहले ही माह में हलाक हो जाता है। भर में सालाना हलाक होने वाले बच्चों की कुल तादाद का 10% बनता है। नामुनासिब खुराक, परवरिश और गुर्बत इन हलाकतों की बुनियादी वजह है। मुल्क में शोबे सेहत का हाल गांवों के बिल्कुल बरक्स है। बेहतर तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जिसके बाद मुल्क का मुस्तकबिल भी गैर महफूज हो गया है। बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर्स हैं, ना बाकायदा स्टाफ है, दवाएं और बिस्तर भी ना होने के बराबर हैं, और इन मसाइल का हल अब किसी चैलेंज से कम नहीं है। शोबाए सेहत में बेहतरी के सरकारी दावे, लेकिन सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल। कहीं दवाएं, कहीं सहूलतें, कहीं बिस्तर और कहीं डॉक्टर्स गायब। जिस मुल्क में अवामी नुमाइंदे अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतें देने के वादे तो करें, लेकिन खुद अपने और अहले खाना का इलाज कराने बैरून मुल्क जाएं, वहां शोबाए सेहत के मयार का अंदाजा लगाया जा सकता है। शोबाए सेहत का हाल तो ये, का मुस्तकबिल भी गैर महफूज है। मसीहाओं को इलाज से ज्यादा एहतजाज की आदत हो गई है। खवातीन और बच्चों को अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। रास्तों और अस्पताल के दरवाजों पर बच्चों की पैदाइश सामने आ रहे हैं। जहां हुकूमतें अवाम की सेहत के हसास मामले को भी नजरअंदाज कर दें और ये जिम्मा भी अदलिया उठाए, वहां बच्चों को मां की गोद से मौत से रोकना कड़े इम्तिहान से कम नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नौमौलूद बच्चों की अच्छी सेहत के लिए वालिदैन को भी किरदार अदा करना होगा। बच्चों के लिए माँ का दूध और हिफाजती टीके इंतहाई जरूरी है। खुराक की किल्लत और हिफाजती इकदामात की कमी नौमौलूद बच्चों की बढ़ती अमवात की अहम वजूहात हैं। आज न्यूज से बात करते हुए वजारत सेहत के EPI नेशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर सैयद सकलैन अहमद गिलानी ने कहा बेहतर आगाही मुहिम से मसला हल हो सकता है। अस्पतालों में निजाम पहले से बेहतर हुआ है और सहूलियात अब मौजूद है। ज्यादा जो हम समझते हैं की जो मसला होता है वो आपकी अवेयरनेस का है, लोगों के कोऑर्डिनेशन का है की लोगों को मालूम कि वो उन सेंटर्स पर जाएं जहां पे ये सहूलियात मौजूद हैं। लाहौर से प्रोफेसर डॉक्टर काजी याकूब का कहना था कि हिफाजती टीके और माँ का दूध बच्चे की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। हमारे यहाँ एक बदलते हुए ट्रेंड के बदौलत माओ ने अपना दूध पिलाना बहुत कम कर दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग की फेलियर बच्चों की बीमारी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर, और ये बच्चे सेहत के एतबार से हम उसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी गजाई कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया होने के बावजूद लोगों का तावन उतना नहीं है जितना दूसरे ममालिक में है। क्वेटा से माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर यूसुफ परवेज सूबे में बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह करार दिया। अच्छा, जैसे ही पैदा होता है तो अपना दूध उसको शुरू करें, दूध माएं पिलाती हैं, उससे कुदरती और बहुत सारी बीमारी से किस्म की उसको कोदे मुदाफत मिल जाती है। अभी आपको अहम खबर दें कि चेयरमैन नैब ने वजीर मुमलिकत बराए सेहत सायरा अफजल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नैब बोर्ड ने वजीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ और सदर PDMC की मुबैना मिली भगत से पारा मेडिकल कॉलेजेस के इलहाक में शिकायत की जांच पड़ताल का फैसला किया है। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म के अदलिया से मुतालिक बयान की। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट की जानिब से अदलिया मुखालिफ बयान आया, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी पैगाम आया। मीडिया कमीशन की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर भी एक चीज है, पार्लियामेंट आइन से मुतसादिम कानून नहीं बना सकती, अदालत कानून साजी के जायजे का इख्तियार रखती है। अगर ये पूछ लें कि फलां शख्स क्वालिफाई करता है तो क्या पार्लियामेंट की तौहीन है, उन्होंने मजीद कहा हम सवालात पूछते हैं उन्हें हेडलाइन बना दिया जाता है। ये हाउस इस बात पर डिबेट करे कि क्या इसको रेजोल्यूशन का हक है, क्या हुकूमत को पार्लियामेंट का हक है, क्या हुकूमत को फैसले करने का हक है। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया तो आज चीफ जस्टिस ने वाज़े पैगाम दिया। हुई मीडिया कमीशन केस की समाअत तो चीफ मार्क्स कहा, बार बार कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है और वो चीज आइन है।
एक दिन पहले पैगाम दिया गया, अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट भी आइन से मुतसादम कानून नहीं बना सकती। कानून साजी के जायजे का इख्तियार हासिल है, नाअहल शख्स के पार्टी ओहदे का हवाला दिया, कहा ये रिमार्क्स तो सवालात होते हैं जो एक दूसरे के मौकफ को समझने के लिए हैं। पूछ ले कि फला शख्स अहल है तो क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत की अदलिया पर तनकीद का तस्करा आज भी कौमी असेंबली में चलता रहा। हुक्मरान अदलिया के साथ साथ निशाना बनाते रहे। इजलास के दौरान अदलिया का जिक्र आया तो दानियाल अजीज बोले कि आपको इल्म है, वो बुला लेते हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि तौहीन पार्लियमान का कानून भी होना चाहिए, तौहीन करने वालों को भी वैसा ही इंतजार करवाना चाहिए जैसा कहीं और होता है। जब अदालत से ऐसे फैसले आए जिसके ऊपर इस ऐवान में भी बहस हुई, वो कमजोर फैसले जो मुंतखब नुमाइंदों और मुंतखब वज़रा आज़म को मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी, अवाम का पैसा लूटे जाने के इल्जाम के ऊपर एक अकामे के ऊपर घर भेजा जाए, जनाब स्पीकर, हुकूमत को सिसिलियन माफिया कहा जाए, मुंतखब वजीर आजम को गॉड फादर कहा जाए, ऐवान में बैठे हुए लोगों को इस तरह के रिमार्क से बुलाया जाए तो ये पाकिस्तान के अवाम की राय की नफी है। तो आपको पता है आजकल तो वो एक मिनट में बुला लेते हैं, आपको तो सर पता है पहले ही मुझे बुलाया हुआ है मैं इस गरीब को, तो इसका मतलब ये है कि मैं वो करूं तो मैं फंसता हूं, तो मैं ना करूं तो मैं फंसता हूं। सबने बनाया हाउस को चाहिए कि वो भी तुहीने पार्लियामेंट का भी कोई कानून बनाए, कोई उनके मुताबिक भी उनके उन पर भी बात करने वाले जो हैं वो कभी इसी तरह बाहर सीढ़ियों में इंतजार करें जैसे बाकी जगह, इस तरह की किसी पर कोई इल्जाम लगता है तो उन्हें जाना पड़ता है। एहतजाज अहसन ने मुस्लिम लीग नून की क्यादत को जहर पर करार दे दिया, कहा कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का गालम गलोच ब्रिगेड में शामिल होने पर तश्वीश है। जैनी खुदकुश बम्बार सारे निजाम को लपेटना चाहते हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने पार्टी के मामे चाचों पर बहुत दबाव डाला। ये इनकी औलाद को किस तरह, मरियम को किस तरह ख्याल आया कि अगर चोर उचक्का चोर और डाकू का मैं ना जिक्र करूंगा तो वो जिक्र है, तो ये तो लगता है वो कन्विंस्ड है कि बाप चोर और डाकू है, इसलिए किसी चोर और डाकू को ललकारो तो वो नवाज शरीफ को ललकार, उनको लगता है ना हमारे बाप को ललकार रहे। बात करेंगे कप्तान के, एक बार फिर नून लीग को आड़े हाथों ले लिया, कहा अदलिया शरीफों की शहनशाहियत की राह में आखिरी रुकावट है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मौके दिए, उन्हें अदालत में सफाई का जितना मौका मिला इतना किसी शहरी को नहीं मिला। अदलिया के खिलाफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहा है अपनी चोरी छुपाने के लिए। मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया हमारी अदलिया को सिर्फ इसलिए तबाह करने के लिए, सबसे बड़ा मुजरिम नवाज शरीफ की चोरी बचाने के लिए, तो हम मजबूर होंगे सड़कों पर निकलने के लिए। फिर ना कहना कि इमरान खान फिर सड़कों पर आ गया, मैं आज कह रहा हूं कि मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की अदलिया को बचाने के लिए इंशाल्लाह मैं लोगों को सड़कों पर निकालूंगा। सियासत में कामयाबी के लिए पाकिस्तान के नामवर लीडरों की पीरों के आस्थानों पर हाजिरी की रिवायत सफात पर मौजूद है, मगर अपनी रूहानी पीर को ब्याह कर घर ले आने की रिवायत सिर्फ इमरान खान के हिस्से में आई। सियासी रहनुमाओं के रूहानी आस्थानों की कहानी बताएंगे लाहौर से अनवार हाशमी अपनी रिपोर्ट में। शेख रशीद अहमद की, जिन्होंने आइंदा 20 रोज हुकूमत के लिए अहम तरीन करार दे दिए हैं, कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नहीं देख रहा, आम इंतखाबात आर्मी चीफ कराएंगे। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में इलेक्शन करवाने जा रही है तो अदलिया करवाने जा रही है, और अगर इस मुल्क में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब करवाने जा रहे हैं। मैं तो अब इलेक्शन को दोबारा खदशात में देख रहा हूँ। मेरा ख्याल था इलेक्शन होने जा रहे हैं, शायद सेनेट के हो जाए, लेकिन जनरल इलेक्शन में देर सवेर के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए और 3-4 दिन में ये चांसेस बिल्ड हुए हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इससे पहले मेरा ख्याल था कि ये इंतखाबात हो जाएंगे जो 3 महीने या 100 दिन के बाद हैं, नहीं बनेगी इनसे मर्दमशुमारी, नहीं बनेगी इनसे जो 5% तड़का है, उसके बाद जब इलेक्शन की बारी होगी। सो मैं इलेक्शनों में भी ताखीर देख रहा हूं।
अभी वक्त हुआ है ब्रेक।